सदर पुलिस स्टेशन की हद में अवैध तरीके से गोहत्या कर मांस बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। मामले में 21 गोवंश को छुड़ाया गया है। जानकारी मिली है कि सदर पुलिस ने एक गुप्त मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में 21 पशु बिना चारा पानी के गड्डी गोदाम परिसर में आरोपी इरशाद कुरैशी के घर के कमरे में बंधे हुए मिले, जिसके बाद पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपी इरशाद कुरैशी, बादशाह कुरैशी और एहफाज अशफाक कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 29 जानेवारी 2024 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता दरम्यान आमचे माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मेंढे साहेब यांना माहिती भेटली। गड्डी गोदाम येथे कत्तलखाना चालू आहे आणि तिथे काही जनावरं कोंडून ठेवलेले आहेत। त्यावरून ते स्वतः आणि त्यानंतर आमची डीबीची टीम सदर ठिकाणी गेलो असता इरशाद कुरैशी राहणार गड्डी गोदाम याच्या घरी 21 जनावरे मिळून आले। त्या 21 जनावरांना सोडवण्यात आलं आणि त्यांच्या कारवाई करण्यात आली। तिथे दोन आरोपी आहेत त्याच्यामध्ये, एक आहे आरोपी इरशाद कुरैशी आणि एहफाज कुरैशी, असे दोन आरोपी आहेत। त्यांच्यावर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। जनावरे कुठून आले काय आले त्याबद्दल तपास चालू आहे। बाकी अजून काय कारवाई करून पुढे तपास करता येईल। शहर में इस तरह के गौ तस्करी और मांस बिक्री के अड्डे चल रहे हैं। जरूरत है कि पुलिस ने इन मामलों में ध्यान देकर इन अड्डों पर कार्रवाई कर इन्हें बंद करना चाहिए ताकि पशु की हत्या ना की जाए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शंकलवार की रिपोर्ट।